नमस्कार, हूँ चिराग। TV9 न्यूज में आपनु स्वागत छे। केंद्र सरकार नवा वर्षे खेडूतोने मोटी भेट आपशे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत खेडूतोने बीजा तबक्का में पहलो हफ्तो चुकवामां आवशे। 7 करोड़ खेडूतोने अंदाजे 14,000 करोड़ रूपियानी रकम चुकवामां आवशे। लोकसभा चूंटणी पहला ज मोदी सरकारे खेडूतोना हित में आ खास स्कीम चालू करी हती, जे अंतर्गत दर वर्षे 6,000 रूपया सीधा ज खेडूतना खातामां जमा करावाय छे। कर्नाटकना तमकूरमां आयोजित एक सभामां वडाप्रधान मोदी तेनी जाहेरात करशे। आ योजना अंतर्गत पहला तबक्कामां 8.5 करोड़ खेडूतोने फायदो मळ्यो हतो, जो कि योजनामां रकमनी फाळवणी घटी पण शके छे। पहला तबक्कामां 87,000 करोड़नुं बजेट हतुं, जे बीजा तबक्कामां घटीने हवे 55,000 करोड़ ज रहे तेवी शक्यताओ छे। વધુ વાત કરવા જોડાશે અમારા સંવાદદાતા રજનીશ। રજનીશ, ક્યા ફાયદા મિલ સકતા હૈ કિસાનો કો? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के अपने दौरे पे हैं और तुमकुर में दोपहर 12 बजे के आसपास में वो एक बड़ी घोषणा कर सकते हैं। जो किसान सम्मान योजना है उसकी तीसरी किस्त आज प्रधानमंत्री जारी करेंगे और ये बताया जा रहा है कि 6 से 7 करोड़ जो किसान हैं देश के, उनको इसका फायदा मिलेगा। पश्चिम बंगाल के किसानों को छोड़ दें तो पूरे देश के किसान जो है वो इस योजना से लाभान्वित होते रहे हैं। पहली और दूसरी किस्त पिछले और उससे पिछले साल जारी हो चुकी है और जो किस्त आज जारी होनी है दरअसल वो दिसंबर में ही जारी होनी थी, लेकिन किसी वजह से उसको रोक दिया गया था। 12,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जारी करेंगे और 2,000 रुपए जो मासिक किस्त मिलती है किसानों को सम्मान निधि के तहत वो आज मिल जाएगा, तो पूरे देश के किसान इससे लाभान्वित होंगे। पश्चिम बंगाल के किसान इसलिए लाभान्वित नहीं होंगे क्योंकि खुद को वहां की सरकार ने वहां के किसानों को इस योजना से जोड़ा नहीं है, लेकिन देश भर के मोटा मोटी 6 से 7 करोड़ किसानों के लिए एक बड़ा पैकेज और एक बड़ी जो घोषणा है जो पहले की जा चुकी है उसको आज प्रधानमंत्री अपने हाथों से रिलीज करेंगे। धन्यवाद रजनीश पूरी जानकारी के लिए। तो ખેડૂતો માટે એક મહત્વપૂર્ણ આજે જાહેરાત કરવામાં આવશે। સન્માન નિધિનો જે હફતો છે તે આજે જાહેર થાય તેવી શક્યતાઓ છે।